अंधेरी रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम जेनिफर को बेतहाशा किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं। वो एक अनजान आदमी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। एक फोन बूथ में जाकर उसने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर अफसोस किस्मत उसके साथ नहीं थी, कॉल कनेक्ट ही नहीं होता। एक व्हाइट पिकअप ट्रक को आता हुआ देख वो वहाँ से भागी और पब्लिक रेस्टरूम में जाकर छुप गई। उस ट्रक में से एक आदमी निकला और जेनिफर के पीछे उस रेस्टरूम में गया। वो पागलों की तरह जेनिफर को ढूंढ रहा था, उसके सर पर खून सवार था। जेनिफर मौका देख पीछे के गेट से बाहर भागी और अपनी कार में जाकर बैठ गई। पर जैसा कि हर फिल्म का रिवाज है, ना तो टाइम पर फोन कनेक्ट होते हैं और ना कार चालू, उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। ऊपर से वो आदमी जेनिफर की कार के सामने था, पर अगले पल वो गायब हो गया। फॉर्चुनेटली कार ने भी जिद छोड़ दी थी और फाइनली चालू हो गई। पर कार आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाने लगती है क्योंकि उस आदमी ने कार को वायर से टो कर लिया था। वो जेनिफर की कार को पीछे खींच रहा था। जेनिफर फंस गई थी। कोई रास्ता ना होने पर वो कार से निकल कर भागती है, पर बेचारी कुएं से निकलकर खाई में गिर गई। उसका दूसरी कार से एक्सीडेंट हो गया। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल का स्टाफ कंफर्म करता है कि उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, ना कोई फोन जिससे उसकी पहचान हो सके। हॉस्पिटल उसकी जान बचाने में लगा हुआ था। तभी जेनिफर का हस्बैंड रसल विलियम पता नहीं कहां से आ जाता है। वो जेनिफर से मिलने की जिद करने लगा, पर उसे रोक लिया गया। कुछ देर बाद एक नर्स ने रसल को बताया कि जेनिफर के सर पर चोट लगी थी जिससे उसका बहुत खून बहा और उसे एमनेशिया हो गया, मतलब उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। अब ना तो उसे पिछली रात का कुछ याद है और ना ही पिछली जिंदगी का। उसी दिन डिटेक्टिव फ्रैंक पेज रसल से जेनिफर के एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करते हैं। पेज बहुत ताज्जुब में थे कि आधी रात को एक अनजान जगह पर जेनिफर अकेली कर क्या रही थी, वो भी बिना आईडी के। रसल का कहना था कि जेनिफर उस रात डिनर के लिए ग्रोसरीज लेने गई थी, उसके बाद उसने जेनिफर को नहीं देखा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो वहाँ कर क्या रही थी। रसल ये भी कहता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक ही था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। जेनिफर की कार मिसिंग थी, इसीलिए पेज उसे ढूंढना चाहते थे ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। वो जाने से पहले रसल को अपना कार्ड देते हैं ताकि जब जेनिफर होश में आए वो उससे बात कर सके। अगले कुछ दिनों तक जेनिफर अनकॉन्शियस थी, फिर जब उसे होश आया उसके सामने खूबसूरत सा फ्लावर बुके था और एक लवली नोट रसल की तरफ से। थोड़ी देर बाद रसल खुद उससे मिलने आया, लेकिन जेनिफर तो उसे पहचानती नहीं थी। वो थोड़ा झिझकती है। रसल कहता है कि वो उसका हस्बैंड है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो जेनिफर को फोटो एल्बम बताता है जिसमें उसके और रसल की काफी फोटोग्राफ्स थी, उनकी मेमोरीज थी, उनके साथ बिताए हुए पल थे। वो उनके जरिए उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। रसल जेनिफर को उनकी पास्ट के बारे में बताता है कि वो एक ही कंपनी में काम करते थे, कलीग्स थे, वहीं उन्हें प्यार हुआ, फिर शादी हुई। जेनिफर ये सब सुनकर बहुत एक्साइटेड थी। वो उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछती है, लेकिन रसल उसे दुखी मन से बताता है कि उसके पेरेंट्स की तो 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। इधर डिटेक्टिव पेज उस ड्राइवर से पूछताछ कर रहे थे जिसकी कार से जेनिफर का एक्सीडेंट हुआ था। वो ड्राइवर कहता है कि जेनिफर किसी से डरकर भाग रही थी और इसी चक्कर में वो उसकी कार के सामने आ गई। ड्राइवर कहता है उसने किसी को देखा तो नहीं, पर एक व्हाइट पिकअप ट्रक कार को पीछे से खींच रही थी जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था। फिर सीन एक आदमी पर शिफ्ट हुआ जो जेनिफर से मिलने आया था हॉस्पिटल में। नर्स उसे अलाउ नहीं करती क्योंकि इस वक्त सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही जेनिफर से मिल सकते थे। खैर वो कहता है कि वो एक्सीडेंट के वक्त वहीं था, इसीलिए वो जेनिफर का हालचाल पूछने आया है। उसने फ्लावर्स का बुके नर्स को दे दिया ताकि वो जेनिफर तक पहुंचा दे। रसल दूर खड़ा होकर ये सब बड़ी गौर से देख रहा था। उसके मन में कुछ तो चल रहा था। अगले कुछ दिन जेनिफर हॉस्पिटल में रिकवर हो रही थी। इसी बीच रसल और जेनिफर का बॉन्ड भी मजबूत हो रहा था। वो दोनों एक साथ वक्त बिता रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कुछ दिन बाद जेनिफर को डिस्चार्ज मिल गया। उसके पैर की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। रसल उसे उनके घर ले जाता है जो कि माउंटेन्स के बीच में था। रसल उसे वो सब पल याद दिला रहा था जो उन्होंने साथ में बिताए थे उस घर में। जेनिफर और रसल की बहुत सारी फोटोज थी। जेनिफर उनकी वेडिंग फोटो देखकर खुश होती है। वो पूरे घर को गौर से देख रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया, कोई उस पर चाकू से हमला कर रहा था। ये धुंधली याद थी, लेकिन जेनिफर इससे परेशान हो गई। सब कुछ अच्छा था, पर कुछ तो था जो जेनिफर को खटक रहा था। उसे सही नहीं लग रहा था और ऊपर से उसे कुछ याद भी तो नहीं आ रहा था। रसल जेनिफर के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, तभी उसे डिटेक्टिव पेज का फोन आया। वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें जेनिफर की कार अभी तक नहीं मिली। वो रसल को उस व्हाइट पिकअप ट्रक के बारे में भी बताते हैं जो जेनिफर की कार को खींच रही थी। पेज
जेनिफर से मिलकर उससे बात करना चाहते थे। इसीलिए वो रसल से कहते हैं कि जेनिफर को अगले दिन 11 बजे पुलिस स्टेशन ले आए। रसल मना कर देता है कि वो अभी अभी ही घर आए हैं और कुछ वक्त साथ बिताना चाहते हैं। पर पेज के इंसिस्ट करने पर उसे हाँ करनी पड़ती है। डिनर पर जेनिफर ने उसे पूछा कि सुबह वो किससे बात कर रहा था और पता नहीं क्यों रसल उसे झूठ कह देता है कि ऑफिस से कॉल आया था। अब वो एक ही जगह काम करते थे तो जेनिफर उससे सवाल करती है कि ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसकी इतनी लंबी छुट्टी लेने पर। जिस पर रसल उससे कहता है कि उसने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। ये सुनकर जेनिफर को थोड़ा अजीब लगा। वो रसल से उनके फ्रेंड्स के बारे में भी पूछती है, जिस पर वो कहता है कि जब से वो इस घर में शिफ्ट हुए है वो बैडली अपने फ्रेंड से टच में है। रसल उसे नया फोन लाकर देने के लिए भी कहता है क्योंकि उसका पुराना फोन पुलिस को अभी तक नहीं मिला। अगले सीन में हम उस आदमी को देख पाते हैं जो जेनिफर के लिए हॉस्पिटल में बुके लाया था। वो के घर में जा ही रहा था कि तभी हम किसी को आता हुआ देखते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि रसल था। रसल उसे पूछता है कि वो उसकी वाइफ से क्यों मिलने आया था। अब रसल अपना असली चेहरा दिखाता है। उसने उस आदमी के सर पर मेटल रॉड से वार किया और फिर उसे जान से मार दिया। रसल को जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि उसकी वाइफ के कोई भी करीब आए। रसल उस आदमी की बॉडी को घसीटते हुए अपने घर तक लाया और फिर उसे बैकयार्ड में दफना दिया। जेनिफर की आधी रात में आँख खुली। वो अनजान आदमी को अपने बैकयार्ड में देखकर डर गई। वो रसल को चिल्लाती है पर वो तो रसल ही था। अगली सुबह रसल उसे झूठ कह देता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो बैकयार्ड में टहल रहा था। जेनिफर उसे ज्यादा सवाल नहीं करती, बस उसकी बात पर यकीन कर लेती है। उसके बाद रसल को टाउन जाना था कुछ सामान लेने के लिए। वो जेनिफर से कहता है कि आते हुए वो उसके लिए नया सेल फोन ले आएगा, लेकिन शायद वो भूल रहा था कि आज तो जेनिफर की डिटेक्टिव पेज के साथ अपॉइंटमेंट थी। इधर डिटेक्टिव पेज भी रसल को कॉन्टेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन उसका फोन तो ऑफ जा रहा था। पेज किसी भी हाल में जेनिफर से मिलना चाहते थे। वो उसे मिलने के लिए क्यूरियस थे, इसीलिए वो पुलिस के डेटाबेस में रसल विलियम नाम डालकर उसका एड्रेस निकालने की कोशिश करते हैं, पर रसल का एड्रेस उसमें नहीं शो करता। पेज अपने कलीग को रसल का फोन नंबर चेक करने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं और हेड नर्स से एड्रेस मांगते हैं जो रसल ने वहाँ दिया था। इधर घर में जेनिफर रसल और उसकी फोटोग्राफ देख रही थी। वो उनकी वेडिंग पिक्चर को देख कर स्माइल करती है और उस दिन को याद करने की कोशिश करती है, पर एक फोटो पर उसकी जैसे ही नजर पड़ी उसकी सारी स्माइल गायब हो गई। दरअसल उस फोटो में रसल का रिफ्लेक्शन मिरर में दिख रहा था जिसमें उसके बाल फोटो से अलग थे, मानो फोटो एडिट की गई हो। उसे शक होता है। वो नीचे जाकर रसल का लैपटॉप ओपन करने की कोशिश करती है पर वो पासवर्ड लॉक था। जेनिफर कुछ पासवर्ड ट्राई करती है, इवन उसका फुल नेम भी, पर लैपटॉप ऑन ही नहीं होता। तभी रसल भी वापस आ गया था। जेनिफर उसे आता हुआ देख कुछ ढूंढने का नाटक करती है ताकि उसे शक ना हो। खैर रसल जेनिफर के लिए फोन लाया था, पर ऑन करने पर पता चलता है कि उसमें तो सिग्नल ही नहीं है क्योंकि वो माउंटेन्स में थे। डिटेक्टिव पेज रसल को ढूंढने में लगे हुए थे। वो उस एड्रेस पर पहुंचते हैं जो रसल ने हॉस्पिटल में लिखाया था। वहाँ पहुंचकर पता चलता है वहाँ रसल नहीं रहता था। इनफैक्ट वहाँ जो लेडी रहती थी वो किसी रसल विलियम्स या जेनिफर विलियम को नहीं जानती थी। डिटेक्टिव पेज अपने कलीग को फोन करके उससे केस डिस्कस करते हैं। वो सोच में पड़ गए कि आखिर रसल को कैसे पता चला कि जेनिफर का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों के पास जेनिफर की कोई आईडी नहीं थी तो उसे किसने इन्फॉर्म किया होगा। उनका कलीग बताता है कि रसल ने बर्नर फोन यूज किया था तो उसे ट्रैक भी नहीं कर सकते। इधर रसल जेनिफर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक जेनिफर को कुछ याद आता है जिससे वो घबरा जाती है और रसल को छूने नहीं देती। इससे रसल चिढ़ जाता है क्योंकि उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी वो उसके साथ ऐसा कर रही थी। जेनिफर को अपसेट देख वो उसे सॉरी कहता है और नीचे चला जाता है और सीसीटीवी से उस पर नजर रखता है। रसल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव पेज हेड नर्स को कॉल करके हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं जिस रात जेनिफर का एक्सीडेंट हुआ था, कि कहीं कोई व्हाइट पिकअप ट्रक तो नहीं थी वहाँ पर। वो नर्स से पूछते हैं कि जब जेनिफर के पास कोई आईडी नहीं थी तो रसल ने कैसे प्रूफ किया कि वो उसका हस्बैंड है, जिस पर नर्स कहती है कि रसल ने फैमिली फोटोग्राफ्स दिखाकर और जेनिफर के पीठ का टैटू पहचान कर प्रूफ किया था। उसके बाद डिटेक्टिव पेज जेनिफर की फोटोग्राफ्स चेक करते हैं और वाकई उसकी पीठ पर एक टैटू बना हुआ था। उसके बाद डिटेक्टिव को एक ईमेल रिसीव हुआ, उसमें हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज थी और अब यहाँ डिटेक्टिव पेज के सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल गए। फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा था कि वो व्हाइट पिकअप ट्रक किसी और की नहीं बल्कि रसल की थी। रसल ही मेन कल्प्रिट था जो जेनिफर के पीछे पड़ा हुआ था। उसी दिन डिटेक्टिव पेज एक टैटू पार्लर में जाते हैं जेनिफर का टैटू का मीनिंग चेक करने। टैटू आर्टिस्ट डिजाइन को चेक करके बताता है कि उस टैटू डिजाइन का मीनिंग एलन है। पेज फिर से पुलिस डेटाबेस में जेनिफर का नाम डालकर चेक करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जेनिफर विलियम की जगह जेनिफर एलन लिखा और उन्हें जेनिफर का सही एड्रेस मिल गया जहां वो उसके पेरेंट के साथ रहती थी। वो फौरन उस एड्रेस पर पहुंचते हैं
मेन डोर ऐसे ही खुला हुआ था, वो लॉक भी नहीं था। अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। डाइनिंग टेबल पर चीजें भी वैसे ही पड़ी थी, ऐसे कई दिनों से वहाँ कोई नहीं रहा हो। और तो और पूरे घर में बहुत तेज गंदी बदबू फैली हुई थी। डिटेक्टिव पेज बेडरूम में जाकर देखते है, वहाँ उन्हें एक बहुत शॉकिंग चीज दिखी। बेड पर जेनिफर के पेरेंट्स की बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी बहुत बुरी हालत में। किसी ने उन्हें जान से मार दिया था। इधर जेनिफर का रसल पर शक बढ़ रहा था। वो उसका वॉलेट निकाल लेती है जब वो शावर ले रहा था। उसके बाद वो रसल को ग्रोसरीज के लिए टाउन में जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद उसने वॉलेट चेक किया। वॉलेट के अंदर जेनिफर को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जिसमें उसका नाम जेनिफर एलन था। इधर डिटेक्टिव पेज भी जेनिफर और रसल को ढूंढने में लगे हुए थे। वो उनके ऑफिस जाते हैं। वहाँ एक स्टाफ उन्हें बताता है कि जेनिफर और रसल ने अपनी शादी से पहले ही जॉब छोड़ दी थी। वो पेज को रसल और जेनिफर की फोटो बताता है जो एक इवेंट के दौरान ली गई थी। और यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है। दरअसल जेनिफर के साथ जो रसल बनके रह रहा है वो असली रसल है ही नहीं। उसका नाम तो रायन गार्टी है, जो असली रसल और जेनिफर का कोवर्कर था। वो भी उसी फोटो में जेनिफर और रसल के साथ नजर आ रहा था। डिटेक्टिव पेज रायन का एड्रेस और फोन नंबर मांगते हैं बिना कुछ भी बताए, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि रायन तक कोई भी बात पहुंचे या उसे जरा भी शक हो। इधर जेनिफर नीचे आकर लैपटॉप फिर से अनलॉक करने की कोशिश करती है। इस बार उसने जेनिफर एलन पासवर्ड डाला और लकीली लैपटॉप अनलॉक हो गया। लैपटॉप में सभी अनएडिटेड फोटोज थे रायन के, जो उसने फोटोशॉप किए थे जेनिफर के साथ। उसमें जेनिफर और असली रसल के भी फोटोज थे। ये देखकर जेनिफर बहुत शॉक हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक एक झूठे इंसान के साथ रह रही थी। फाइनली उसकी यादें वापस आने लगती है। उसे वो सब पल याद आते हैं जो उसने अपने हस्बैंड रसल के साथ बिताए थे। वो सभी यादें उसकी आंखों के सामने आ रही थी। और उसे वो रात भी याद आ जाती है जिस रात वो किसी से जान बचाकर भाग रही थी, जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो जिससे डरकर भाग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रायन था। वो फौरन किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर लैपटॉप में तो इंटरनेट ही नहीं था, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन रायन पहले से ही कट कर चुका था। दूसरी तरफ रायन को पता चल गया कि उसका वॉलेट जैकेट में नहीं है। वो जल्द ही गाड़ी घर की ओर मोड़ लेता है। जेनिफर सिग्नल के लिए लॉन में आती है, लेकिन सिग्नल फिर भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि फोन में सिम भी नहीं था। जेनिफर पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गई। तभी उसका हाथ उस आदमी के हाथ से टकराया जिसे रायन ने मारकर लॉन में दफनाया था। तभी पीछे से रायन ने जेनिफर के सर पर पत्थर से मारकर उसे बेहोश कर दिया। वो बेहोश जेनिफर को उठाकर बेडरूम में ले जाता है। जेनिफर ने उससे पूछा कि आखिर उसने उसके हस्बैंड के साथ क्या किया है और वो कहा है। ये सुनते ही रायन ने जेनिफर के पैर को चैन से बांध दिया और सामान लेने बाहर चला गया। कुछ देर बाद जेनिफर होश में आई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर को चेन से छुड़वाया। इसमें उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी करके वहाँ से भागना था। रायन के चंगुल से आजाद होना था। रायन भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। जेनिफर के पास अच्छा मौका था वहाँ से भागने का। वो गैराज की तरफ जाती है। गैराज से बहुत बदबू आ रही थी। वो उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसकी कार वही खड़ी थी। कार में उसका सेलफोन भी था। उसे सेलफोन भी मिल गया, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले ही रायन टाउन से वापस आ गया। कार की डिक्की खोलता है और हम समझ पाते हैं कि गैराज में इतनी बदबू क्यों आ रही थी, क्योंकि उसमें असली रसल की बॉडी पड़ी हुई थी। अब जेनिफर को मजबूरन रूम में वापस जाना पड़ता है। वो छुपते हुए रूम तक पहुंच गई, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपना पैर वापस चैन से बांधे, क्योंकि रायन रूम में आ रहा था। इसीलिए वो अपने पैर पर ब्लैंकेट डाल देती है। रायन रूम में आया, वो बातें करते हुए ब्लैंकेट को नोटिस करता है। उसे शक हुआ, वो ब्लैंकेट को हटाने ही वाला था, पर फॉर्चुनेटली तभी फ्रंट गेट की रिंग बेल हुई और उसे नीचे जाना पड़ा। रायन के घर मेहमान आए थे, और वो मेहमान कौन? डिटेक्टिव पेज। उसे ना चाहते हुए भी फ्रंट गेट खोलना पड़ता है। डिटेक्टिव पेज बैकयार्ड में आते हैं, जहाँ विलियम्स का नेम प्लेट था, मतलब रायन ने नेम प्लेट तक फेक किया था। खैर, उन्हें वहाँ वो व्हाइट पिकअप कार भी मिल गई, जो एक लौता क्लू था इस केस में। इसके जरिए ही तो पेज रायन के घर तक पहुँच पाए थे। जेनिफर पेज को देख लेती है और उन्हें इशारा करती है कि पीछे के दरवाजे पर आए। लेकिन जैसे ही पेज अंदर आ रहे थे, तभी रायन पीछे से आकर उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। उसने जेनिफर को भी देख लिया था। अब जेनिफर क्या ही कर सकती थी। रायन उसे उठाकर वापस बेडरूम में ले जाता है। उसके बाद रायन डिटेक्टिव पेज को ठिकाने लगाने चला गया। वो पेज को घसीटते हुए गैराज में ले जाता है। फिर उसने रस्सी से जेनिफर को बांध दिया। अब रायन जेनिफर को सारी सच्चाई बताता है। दरअसल रायन जेनिफर में काफी वक्त से इंटरेस्टेड था। वो हमेशा उसे स्टॉक करता, उसके करीब जाने की कोशिश करता, इसी उम्मीद में कि एक दिन जेनिफर उसकी हो जाएगी। बट उसकी सारी उम्मीदें तब खत्म हो गई जब जेनिफर ने उसके बदले रसल को चुन लिया। इसीलिए उसने जेनिफर के सभी अपनों को मार जो उसके और जेनिफर के बीच में आ सकते थे। इनफैक्ट वो तो जेनिफर को भी मारने वाला था, बट जब नर्स ने उसे बताया कि जेनिफर को कुछ याद नहीं है, तब उसने अपना प्लान चेंज कर दिया और खुद रसल बन गया। इधर डिटेक्टिव पेज फ्रीजर के अंदर बंधे पड़े हुए थे और बाहर
निकलने की कोशिश कर रहे थे। रायन उनकी कार को गैराज में ले आता है और अपने लिए ड्रिंक बनाता है। रूम में जेनिफर के हाथ लाइटर लग गया था। वो लाइटर की मदद से रस्सी को जलाकर खुद को आजाद करती है। जब रायन रूम में आया वो छुप गई। उसने मौका देखा और पीछे से रायन के सर पे वास से हमला कर दिया। रायन बेहोश हो गया था। वो फौरन नीचे भागती है। भागते हुए वो सीढ़ियों से गिर गई, पर अभी उसे खुद की चोट की कोई परवाह नहीं थी। वो बस वहां से निकलना चाहती थी। रायन को होश आ गया। वो जेनिफर के पीछे पड़ जाता है। जेनिफर उसे डरकर बाहर भागती है। इधर डिटेक्टिव पेज भी फ्रीजर से जैसे तैसे बाहर आ गए थे। अब वो ये सब पागलपन खत्म करना चाहते थे। जेनिफर भागते हुए जंगल में चली गई थी और उसके पीछे रायन भी। वो जेनिफर को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जेनिफर फिर एक बार उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, पर इस बार वो ट्रिक काम नहीं करती। रायन उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। अब रायन के सर पर खून सवार था। वो जेनिफर को गन से शूट करने ही वाला था कि डिटेक्टिव पेज बीच में आकर उसे धक्का दे देते हैं और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। रायन पेज पर भारी पड़ रहा था, तभी जेनिफर गन उठाती है और रायन को शूट कर देती है। उसने रायन पर कई बार गोलियां चलाई और उसे जान से मार दिया और ये सब खत्म हुआ। फिर 3 महीने बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो डिटेक्टिव पेज से मिलने आई थी। वो उनकी एहसान मंद थी क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो आज जिंदा है। मूवी के लास्ट सीन में हम जेनिफर को रसल का लेटर पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें रसल ने लिखा था वो उसे कितना प्यार करता है और हमेशा ऐसे ही करता रहेगा। जेनिफर की आंख में आंसू थे और रसल के लिए प्यार, और ये मूवी यही एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।